जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की यूनिट वन पढ़ेंगे, कक्षा दसवीं का डे सेकेंड का पार्ट वन सीखेंगे। गणित अपन पढ़ रहे हैं, अध्याय एक चल रहा है, प्रश्न नंबर 1.1, चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। आज भी अपन सीखेंगे प्रश्न 3 सीखेंगे, उदाहरण अपन करेंगे 2 करेंगे, उदाहरण 4 करेंगे, यानी अपन डे 2 में पार्ट 1 में तीनों क्वेश्चन अपन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो का डे 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करोगे वहां से वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक करते हैं प्यारे बच्चों अपन स्टार्ट। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है कि अभाज्यीकरण खंडों को आएगा, उसने टाइप गलत कर दिया प्रिंट वाले ने। अभाज्यीकरण खंडों को गुणनफल विधि द्वारा एसिव एलसीएम ज्ञात कीजिए, द्वारा भी प्रिंट वाले ने गलत टाइप कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से अपन ध्यान रखेंगे। अभाज्यीकरण खंडों को गुणनफल विधि द्वारा एसिव एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। तीन प्रश्न बोले हैं, पहले 12, 15, 21, दूसरा 17, 23 और 29, तीसरा 8, 9 और 25। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में यही सिखाया था कि एससी पे एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, उसी प्रकार अपन आगे करते हैं। अपन को अभाज्यीकरण खंडों के द्वारा अपन को एससी पे एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। अब कैसे करें ध्यान से आप देखिए, पहला प्रश्न आपके पास है 12, 15 और 21, अपन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लिखा मैंने दिया है, क्या लिखा मैंने दिया है, कॉमा लगाया। पहला आपका प्रश्न कौन था, 12, 15 और 21 लिखा, 12, 15 और 21। डियर स्टूडेंट को लाइन टू लाइन सिखाऊंगा, बोर्ड में जैसे लिख मैं जैसे मतलब कहने का मतलब ये है, जैसा मैं सेम प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा सेम वैसे आपको बोर्ड में लिख के आना है। वाकई टू वाले करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट सिखा देते हैं तो बोर्ड में आप लिख जाते हो आपके नंबर कट जाते हैं। मैं आपको जैसा सेम लिखवा रहा हूं बोर्ड में वैसे लिख के आना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पर आप सभी इसको मुझे वादा करना होगा मुझसे कि वो प्रॉपर नोट्स बनाना है, अगर प्रॉपर आप नोट्स बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। 12, 15 और 21, तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 15 कर लेंगे, फिर 21 कर लेंगे। तीनों गुणनखंड करने के बाद अपन एससी पहले से ज्ञात कर सकते हैं। पहले कौन है, 12 है, तो बहुत अच्छे जानते हो 12 दो से कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट, 6 से भी कटेगा। पर अभाज्य गुणनखंड का रूल्स होता है सबसे पहले छोटी संख्या से काटना पड़ता है, तो 12 किससे काटेंगे, पहले अपन 2 से, 2 छोटी संख्या होती है, 2 × 12, तो 2 × 12 = 6 बार में आते हैं। अब 2 × 3 = 6 होता है, और 3 × 1 = 3, तो आप बहुत अच्छे जानते हो 12 के आपने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आप कर लो आप किसके, 15 के, तो आपने लिखा 15। अब 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से कटेगा, पर छोटी संख्या कौन होती है, 3 होती है, तो पहले आप किससे काट लोगे, 3 से, 3 × 3 = 15, क्यों, 3 × 15 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में, और 5 × 1 = 5। अब आप क्या करोगे, 21 का करोगे, 21 पे आते हैं। इसी प्रकार अपन 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी 21, वही छोटी संख्या पहले कौन होती है, 3, किससे काटोगे आप, 3 से, 3 × 7 = 21, को 3 × 21 कितनी बार में आता है, 7 बार में, 7 × 1 = 7। ये आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको पहले आपकी संख्या लिख देना जो भी आया है, फिर इसी प्रकार आपको एससी पहले से आपको ज्ञात करना है। तो अपन लिखते हैं कि अब कॉमा लगाया अपन ने कि पहले कौन है, 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब देखो 12 में कौन कौन है आपके पास, 2, 2 और 3, 2, 2 और 3 आया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात लिख दो आप 2, और 3 कितनी बार है, केवल 1 बार, तो कौन लिखा आपने, 3। अब आते हैं 15 पर, तो आप लिखोगे 15 का अभाज्य गुणनखंड अब देखो 15 में आपके पास कौन कौन आया, 3 आया और 5 आया, तो 3 × 5, 3 भी 1 बार है 5 भी 1 बार, सेम टू सेम वही लिख दो। अब नेक्स्ट कौन है, 21 है, तो अब लिखा आपने 21 का
अभाज्य गुणनखंड। तो आपके पास 21 में कौन कौन आया डियर स्टूडेंट, 21 में आपके पास आया 3 आया और 7 आया, तो 3 × 7। तो आपका सबसे पहला काम हो गया अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब आपको इसमें एचसीएफ पर एलसीएम ज्ञात करना है, वो कैसे करें ध्यान से आप देखिए। तो आपने लिखा कि अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तीन संख्या दे रखी है 12, 15, 21, तीनों में देखना है सेम कौन दिखाई दे रहा है, जो तीनों में सेम होता है ना वही कहलाता है अपना एचसीएफ। अब तो तीनों में सेम कौन कौन है सर, देखिए 3 यहां भी है 3 यहां भी और 3 यहां भी है, तो तीन तीन तीनों में क्या है सेम है, जो ऊपर बीच में लास्ट में जो तीनों में सेम होगा ना वही अपन एचसीएफ कहलाएगा। तो तीनों में सेम कौन है, 3 है, और कोई तीनों में सेम कोई दिखाई दे रहा है क्या, नहीं सर तीनों में कोई सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो हम एचसीएफ कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब आते हैं एलसीएम, सेकेंड क्वेश्चन आपको यही सिखाया था कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं, वही सेम थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिंगल वाले को लिखा जाता है, डबल वाले को लिखा जाता है और ट्रिपल वाले को लिखा जाता है। पर क्या होता है, ये 2, 2 और 3 तो पहली लाइन में सब तो एक एक बार ही कहलाएंगे, अब 3 और 5 ये भी केवल एक एक बार कहलाएंगे, 3 और 7 ये भी केवल एक बार कहलाएंगे। अब ध्यान से देखना कि अपन एचसीएफ मतलब अपन एलसीएम कैसे करेंगे। देखिए देखिए 2 केवल एक ही बार है, 2 नीचे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो अपन कौन लिख देंगे 2 भी कितनी बार, एक बार। आपके मन में डाउट होगा सर 2 2 बार होगा, नहीं डियर स्टूडेंट, ऊपर कितनी बार भी उसको केवल एक ही बार माना जाएगा, अगर नीचे हो और ऊपर हो तो उसको 2 बार माना जाता है, पर 2 एक बार था अपन 2 कितनी लिख देंगे अभी 2 बार, तो अपन लिखा 2 × 2। अब आगे देखिए 3 कितनी बार है, देखिए 3 3 और 3 3 कितनी बार है, 3 बार है, इसको लिख दोगे आप 1 बार, जो सिंगल है वो भी लिखा जाता है एलसीएम में, डबल है वो भी और ट्रिपल है वो भी, तो 3 कितनी बार था, 3 बार, कितनी लिख दोगे आप 1 बार, तब 3 लिखा। अब 3 के बाद देखिए 2 खत्म हुआ 3 खत्म हुआ, 5 भी एक बार है और 7 भी एक बार है, आपके मन में डाउट होगा सर 2 की घात 2 × 3 बचे वो कहां गया, तो डियर स्टूडेंट इसी को मिला के मैंने प्रश्न में कि 2 2 बार था और 3 1 बार था, मैंने वही लिखा है, तो ये 12 का ही सब कुछ था, ऊपर वाले से कर लो नीचे वाले कर लो सेम आंसर वही आया था, 12 का ही आंसर था। अब 5 1 बार है और 7 1 बार है, तो आप कौन लिख दोगे 5 1 बार और 7 1 बार, इन सब का इंटू कर लो आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। 2 2 4 4 12 12 5 60 60 70 420, तो आपका इस आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट 420। तो सेकंड प्रश्न आपके पास होगा अब 17 23 और 29 चलते हैं अपन। अब तीसरा प्रश्न 17 23 और 29 तीसरे का दूसरा लिखा आपने दिया है, कॉमा लगाया आपने 17, 23 और 29, तो करते हैं डियर स्टूडेंट अपन। देखो पहले 17 का कर लोगे आप, फिर आप 23 से करोगे, फिर आप 29 से करोगे। अब डियर स्टूडेंट 17, 23, 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब होता है 17, 17 से ही कटेगा, 23, 23 से कटेगा, 29, 29 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, तो आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उन गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कीजिए। तो आप लिखोगे अब कॉमा लगाओगे आप 17, फैन चालू कर लेता हूं मैं, का अभाज्य गुणनखंड। अब डियर स्टूडेंट 17, 17 से ही कटा है, 17 जो 17 से ही कटा है, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे 17 × 1, क्यों 17 × 1 कितना होता है 17 होता है, वो 17, 23, 29 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या मतलब होती है 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे, तो 17, 17 से कटा और 1 से भी कटा। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, अभाज्य संख्या नहीं थी इसलिए अपन इंटू का 1 नहीं लगाया था, ये अभाज्य संख्या थी इसलिए अपन इंटू का 1 लगाया है। अब कौन है 23 है, 23 का
अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड। तो 23 में कौन कौन आया डियर स्टूडेंट, 23 से कटा तो वही लिख देंगे अपन 23 इंटू 1, क्योंकि अभाज्य संख्या अपने पास है। अगला कौन था अपने पास, 29 था, तो अब 29 का लिख दोगे, 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो 29 भी क्या वो क्या अपने पास अभाज्य संख्या, लिख दो 29 इंटू 1। अब इसका आप निकाल लोगे एचसीएफ और एलसीएम, तो लिखोगे आप अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। तो मैंने आपको अभी सिखाया था एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तीनों व्यक्ति कैसा हो, सेम हो। तो डियर स्टूडेंट तीनों में सेम कौन दिखाई दे रहा है, केवल एक दिखाई दे रहा है, यानी कॉमन हो। तो तीनों में सेम कौन है, केवल एक है, तो अपन एचसीएफ कौन कह सकते हैं, अपन एक कह सकते हैं। एलसीएम में क्या होता है, सिंगल वाला भी, डबल वाला भी और ट्रिपल वाला भी। 17 एक बार है, एक बार लिख दोगे, 23 एक बार है, 29 एक बार। अब एक से लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक लिखो एलसीएम में तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करते वही का वही आता है। तो 17 23 और 29 एक कितनी बार है, तीन बार, कितनी लिख दोगे आप, एक बार। तो पीछे एलसीएम लिखोगे 17 23 29 और 1, 17 23 29 और 1, क्योंकि 17 23 29 कितनी बार तक, सब एक एक बार थे और एक था तीन बार, इसको आप लिख दो एक बार। आपको इसका इंटू करना है, 17 का इंटू 23 में करना, 170 340 और 51 391, 17 इंटू 23 होता 391, 391 का इंटू 29 में करोगे तो 33 11 9 3 इंटू 1 जी अपना हो जाएगा 11 33 9 का इंटू आप 1 में करोगे वही का वही आएगा 11 33 9, यानी आपका एलसीएम आ गया 11,339। अब तीसरे प्रश्न पर आप आते हैं अपन, आपका तीसरा प्रश्न कौन है डियर स्टूडेंट, 8, 9 और 25। अगला करते हैं अपन 8, 9 और 25, आते हैं अपन तीसरे पे 8, 9 और 25। दिया है, कॉमा लगाया आपने, तीसरा प्रश्न डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है, 8, 9 और 25। तब लिखोगे 8, 9 और कौन लिखोगे आप 25। बन करते हैं 8, 9 और 25 का, पहले आपके पास कौन है 8 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपका डिएशन क्या है 25 है। तो आप 8 का करोगे, फिर आप 9 का करोगे, फिर आप 25 करोगे अभाज्य गुणनखंड। तो आप जानते हो 8 2 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 25 5 से कटेगा। 2 चौके कितना होता है 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सब 2 से कट गए। अब आते हैं 9, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 25 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इसके आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। तो अब लिखोगे, अब कॉमा लगाया आपने, 8 का अभाज्य गुणनखंड देखो, आपके पास 3 3 था, 8, 9 और 25, 8 का बाजी गुणनखंड, 9 का बाजी गुणनखंड और 25 का बाजी गुणनखंड। तो 8 में आपके पास कौन कौन आया, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 1 बार और 2 बार, 5 कितनी बार था 25 में 2 बार, 5 इंटू 5। अब जो जितनी बार उसके ऊपर घात लगा दो, 2 कितनी बार है 3 बार है, 2 की घात अपने पास आ जाएगी 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की घात अपने पास 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात आप लगा दोगे 2। अब डियर स्टूडेंट एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप लिख दो अगली लाइन में कि अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। तो मैंने आपको अभी सिखाया था
एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में व्यक्ति क्या हो, सेम हो। तो आपको तीनों को सेम दिखाई दे रहा है कि सर हमें तीनों में कोई भी सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम एचसीएफ कितना मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। नहीं सर, जीरो पर नहीं मान सकते। अगर तीनों में कोई सेम ना हो तो सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी है। ध्यान रखना, जब भी एलसीएम एलसीएम ज्ञात करते हो, अगर एचसीएफ में कोई भी कॉमन ना दिखाए तो हमेशा आप एचसीएफ कितना बोल सकते हो, वन। तो आप एचसीएफ कितना मान लोगे, वन। तो आप एचसीएफ लिख दोगे वन। अब एलसीएम में क्या होता है, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी। अब देखो, दो ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। ये दो ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। दो ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। तो दो तीन बार है, तीन दो बार है, पांच दो बार है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, सब सिंगल सिंगल सिंगल, सब एक एक बार है। तो दो को आप तीन बार लिख दीजिए, तीन को दो बार लिख दो, पांच को आप दो बार लिख दो, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम लिखोगे आप, दो तीन बार था आपके पास, तीन बार और दो तीन बार था और पांच दो बार था। इन सब का आप आपस में इंटू कर सकते हो। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ तीय चौबीस, चौबीस तीय बहत्तर, बहत्तर पंज तीन सौ साठ, तीन साठ पंजे 1800। तो आपका इसका आंसर कितना आया डियर स्टूडेंट, 1800। तो अपना क्वेश्चन थर्ड के तीनों पार्ट हो गए। इसी वीडियो में उदाहरण नंबर सेकंड, उदाहरण नंबर चौथा कराऊंगा, वो क्वेश्चन थर्ड से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने डे सेकंड के पार्ट वन में क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। तो अपन आगे आते हैं। आगे आपके पास प्रश्न उदाहरण नंबर दो है, उदाहरण दो गलत टाइप कर दिए, दा किया कि दाह आएगा ये, उदाहरण दो। तो उदाहरण दो करते हैं, उदाहरण दो आपके पास बोला है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सेम वो ही 6 और 20 से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो पिछले प्रश्न अपन ने करा है। अपन करते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपल से अपन लिखा, अपन ने दिया है, कॉमा लगाया अपने, प्रश्न कौन कौन आपके पास 6 और 20, तो अपन लिखा 6 और 20। तो अपन करते हैं 6 का और 20 का, तो करते हैं डियर स्टूडेंट 6 और 20, तो वही 2 से कटेगा 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब आपको पता है 20 भी 2 से कटेगा, 2 से कब काटा जाता है, पीछे 0 2 4 6 और 8 होने चाहिए, तो अभी पीछे कौन है, 0 है, 2 से काटोगे आप, 2 एकम 2, 0 का 0, कि 2 के 20 10 बार में आते हैं। अब 2 के 10 कितनी, 5 बार में आते हैं, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तब लिखोगे कि अब आपके पास लिखोगे किससे करना था आपको, 6 का और 20 का, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड और एक और कौन है अपने पास, 20। देखा आपके पास कौन, 6 और कौन था आपके पास, 20। तो 6 का बजरण खंड में कौन कौन आया, 2 और 3, 2 इंटू 3, और 20 के बजरण खंड में कौन कौन आया, 2 2 और 5, 2 2 और 5। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बोला नहीं है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो अब 2 जैसे 2 बार था, तो पिछली में क्या करते थे, 2 2 बार था, 2 की जगह अपन 2 लगाते थे, जब 5 2 बार था तो 5 या 2 लगाते थे, 3 2 बार था 3 की जगह 2 लगाते थे। कब लगाते थे, जब उसमें बोला जाता है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रश्न में आपसे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसमें गुणनफल आपसे नहीं बोला है, तो उसमें गुणनफल के रूप में आप व्यक्त नहीं करोगे, यानी किसी भी घात ऊपर आप नहीं लगाओगे। सिंपल सा बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इसका एचसीएफ और एलसीएम अपन आप ज्ञात करते हैं। तो पीछे आप लिखोगे वही सेम, अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। अभी सिखाया था मैंने कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कि अगर दो क्वेश्चन हो, जैसे पिछले में तीन थे, 8 9 25, तो तीन है, इसमें दो हैं 6 और 20, अगर दो हैं तो दोनों में सेम देखते हैं, तीन है तो तीनों में सेम देखते हैं। अभी दो थे 6 और 20, अब ऊपर नीचे देखना है कि दोनों में सेम कौन कौन है, जो सेम कॉमन होता है वही अपना कहलाता है एचसीएफ। दो ऊपर है वही दो नीचे है, और कुछ सेम कोई दिखाई दे रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा, क्यों, ऊपर तीन है नीचे दो है, नीचे कौन है, पांच है। तो आपके पास ऊपर नीचे दोनों सेम कौन दिखाई दे रहा है, केवल दो दिखाई दे रहा है, तो आप एचसीएफ कितना बोल सकते हो, दो बोल सकते हो। आपको निकालना है एलसीएम,
मैंने एलसीएम में सिखाया था सिंगल वाले को लिखा जाता है, डबल वाले को लिखा जाता है, ट्रिपल वाले को भी लिखा जाता है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट अपन, अब आते हैं अपन एचसीएफ एलसीएम में। अब देखो दो कितनी बार है, दो बार है, तो दो बार कितनी बार लिखोगे, अभी भी आप एक बार लिखोगे, तो हम दो कितनी बार लिखा आपने, एक बार लिखा। अब आगे चलते हैं अपन दो पे ही आते हैं, देखो दो कितनी बार है, केवल एक बार है जी, दो बार था तो आपने एक बार लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब दो केवल कितनी बार है, एक बार है, दो आप एक बार लिख दोगे, लिखा आपने कौन लिखा दो। अब दो के बाद देखो तीन भी एक बार है और पांच भी एक बार है, तो एक बार लिख दोगे आप तीन, एक बार लिख दोगे आप पांच, एक बार लिखोगे आप तीन, एक बार लिखोगे आप पांच, इनका इंटू कर दो आपका आंसर आ जाएगा। दो दूनी चार, चार दिया बारह, बारह पंजे साठ, तो आपका इस प्रश्न का आंसर कितना आया, एलसीएम 60 आया, एचसीएफ 2 आया। एक लास्ट प्रश्न अपना बचा है उदाहरण नंबर 4, इसी मिलता जुलता है, तो वो उदाहरण से गलती टाइप कर दिया, यहां आएगा दहा, उसने दहा कर दिया था। उदाहरण 4 आपसे कहता है संख्या 6, 72, 120 का अब्बाजी रणखंड विधि द्वारा, द्वारा ही गलत टाइप कर दिया उसने, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपन को सेम 6, 72, 120 का अब्बाजी रणखंड विधि से आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, जो पिछला अपन करा था, तो करते हैं 6, 72 और अपन 120 करते हैं। तो अपन लिखा दिया है, कॉमा लगाया, 6, 72 और 120। अपन करते हैं पहले 6 का करेंगे, फिर अपन 72 पे आएंगे, इसी पे का फिर अपन 120 पर आएंगे, तो लाइन बाय लाइन करते हैं। तो अब 6 को जानते हैं, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 3 1 3, तो 6 से काटने आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आते हैं 72, तो 72 को आप जानते हो 2 से कटेगा, 2 से क्यों कटेगा, पीछे 0 2 4 6 8 किससे काटते हैं अपन, 2 से काटते हैं, पीछे कौन है, 2 है, तो अब 2 से आसानी से आप काट सकते हो। 2 के बाद 7 तो आता नहीं है, 7 से कौन आता है, 6 आता है, 2 3 6 का यूज किया, 7 था, कितना बचा यहां से, 1 बचा। अब 1 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, वही 2 के बाद 12 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में, 2 3 6, फिर 2 6 12, अभी 2 से कटेगा, क्यों, 2 1 2 2 1 2, यहां से कितना बचा, 1 बचा, 2 लिया अपन, 1 बचा, 1 और 6 कितने होते हैं, 16, 1 और 6 16, 2 के बाद 16 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में, 2 8 16। अब 2 नंबर कितना होता है, 18, अब 9 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 1 3। अब आते हैं अपन 120 पर, 120 2 से कटेगा, क्यों, पीछे कौन है, 0 है, वही 2 6 12, 0 का 0, 2 3 6, 0 का 0, 2 1 2, कितना बचा यहां से, 1 बचा, तो 2 का यूज करा, 1 बचा, 1 और 0 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 2 के बाद 10 कितनी बार में आते हैं, 5 बार, 2 5 10, अब 15 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 1 5, आसानी से अपना हो गया। तो अपन लिख देंगे अपने पास किस किस का किया अपन ने, 6 का, 72 का और 120 का, तो पीछे वाला पेज पकड़ लेते हैं अपन। अब कॉमा लगाया अपन ने, 6 का अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार अपन आगे कर लेंगे, छे का बाजे वर्णखंड, छे का अबाज्य गुणनखंड और छह बात अपने पास 120 था, छे 72 और 120, 6 का अबाजी रणखंड, 72 का अबाजी रणखंड, 120 का अबाजी रणखंड। तो आपके पास 6 में कौन कौन आया, 2 और 3, तो 6 में लिख दोगे आप 2 2 3, 72 में आपके पास कौन का आया, 2 3 बार आया और 3 2 बार आया, 2 3 बार, 1 बार 2 बार
और 3 दो बार, एक बार और दो बार। अब 120 में कौन आया? दो तीन बार आया, एक बार तीन आया, एक बार पांच आया, दो तीन बार आया, एक बार तीन बार आया और एक बार पांच आया। इसमें आपसे गुणनफल के रूप में कहीं व्यक्त करने को बोला है क्या? नहीं बोला है, तो अब घात मत लगाना। घात कब लगाते हैं? ये दो दो बार हो, तीन दो बार हो, घात जब लगाया जाता है जब आपसे गुणनफल बोल देता है। इस प्रश्न में आपसे गुणनफल कहीं भी नहीं बोला था। अपन इसका ज्ञात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो अपन लिखा कि अतः एचसीएफ बराबर और LCM बराबर। अब ध्यान से देखिए HCF LCM कैसे करते हैं। मैंने आपको सिखाया LCM का मतलब क्या होता, HCF का मतलब क्या होता, सभी व्यक्ति में क्या हो, सेम हो। देखते हैं सेम कौन कौन है। दो दो दो, दो सभी में क्या है, सेम है। तो आप HCF इतना बोल दोगे, दो बोल दोगे। अब दो का कुछ देखते हैं सेम है क्या। हाँ सर सेम है। तीन तीन तीन, आपके मन में डाउट होगा सर लाइन वाला लाइन तीन नहीं ले सकते क्या? तो आपको करना क्या है, पहले में दो था कहीं भी दो ढूंढ सकते हो, दूसरे में दो कहीं भी देख सकते हो, और तीसरे में दो आप कहीं भी देख सकते हो, वो कॉमन माना जाएगा। अब तीन है तो तीन ऊपर भी है, बीच में भी हो, लास्ट में, उससे कोई मतलब तीन चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, पर तीनों हमेशा सेम देखना है। तीन तीनों में क्या था, सेम था। तो एचसीएफ कौन ले दोगे आप, तीन। दो तीन कितना हो जाता है, छः। और कुछ भी सेम अपने पास नहीं था, तो ऐसे कितना आ गया, छः। अब आते हैं अपन एलसीएम पे। एलसीएम में क्या होता है, सिंगल वाला भी, डबल वाला भी और ट्रिपल वाला भी। अब ध्यान से देखना अपन एलसीएम कैसे करते हैं। देखो दो तीनों में क्या है, सेम है, तो आप एलसीएम में तले दो, पहले दो। अब नीचे आते हैं, देखो ये दो भी दो बार है तो आप कितनी बार लिख दोगे, एक बार। मैंने आपको सिखाया था एलसीएम में क्या होता है, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी। दो तीन बार था, एक बार लिखा। दो ऊपर नीचे दो बार था तो आपने एक बार लिखा। इसी प्रकार ये दो कितनी बार है, दो बार है, कितनी बार लिखोगे आप, एक बार लिखोगे। अब अगले पे आते हैं, तीन वो कितनी बार है, तीन बार है। तीन कितनी बार है, तीन बार, कितनी बार लिखोगे आप, एक बार लिखोगे। अब तीन केवल एक बार था तो तीन एक बार लिखोगे, पांच केवल एक बार था तो पांच एक बार लिखोगे। तो एलसीएम में क्या होता है, सिंगल वाले को लिखा जाता है, दो बार उसको एक बार लिखा जाता है, तीन बार उसको भी एक बार लिखा जाता है। अब अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं, इंटू करते हैं, वही दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ तिया चौबीस, चौबीस तिया बहत्तर, बहत्तर पंजे 360। तो आपका एलसीएम आ गया 360। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपना डे सेकंड का पार्ट वन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डे सेकंड के पार्ट टू के साथ। थैंक यू सो मच।